नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कला एवं सांस्कृतिक प्रभाग द्वारा कवियों के सम्मान में कार्यक्रम। जिला स्तरीय कवियों ने किया अपनी सुंदर कविताओं का प्रदर्शन। देश भर में कैंसर की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम। चिकित्सकों ने कैंसर की पहचान, परहेज और उपचार के दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव। कनाडा के वैंकोवर से ऑनलाइन टॉक। कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया और ब्रह्म कुमारीज कनाडा का संयुक्त आयोजन। डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस रहा चर्चा का विषय। समाज में हर वर्ग का अपना अपना योगदान है। उसमें से एक वर्ग है कवियों का, जिन्होंने अपनी कविताओं द्वारा हमेशा से समाज को सत्य का आईना दिखाया। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र और कला एवं सांस्कृतिक प्रभाग द्वारा कवियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत की गौरवशाली संस्कृति विषय पर रखे गए इस समारोह का शुभारम्भ सरस्वती जी के पूजन से हुआ। इसके पश्चात कई कवियों ने ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रति अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त की। जो सच्चे हैं उन्हें सुंदर सुखद परिणाम मिलते हैं। जो सच्चे हैं उन्हें सुंदर सुखद परिणाम मिलते हैं। वही परिपक्व हो पाते जिन्हें शुभ काम मिलते हैं। भले ही हम करें लाखों बरस तक तप गुफाओं में, है जिनके कार्यक्रम में छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के शैलजा ने सभी कवियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया और अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की। आज फिर आवश्यकता में हम उठे, अपनी कलम को इस दिशा की ओर चलाए कि कैसे मूल्यों को अपने जीवन के अंदर हम आत्मसात करें। मूल्य हमारी अपनी निजी प्रॉपर्टी, हमारे निजी संस्कार हैं। हम सब ईश्वर पिता के बच्चे हैं और ईश्वर पिता की सारी गुण महिमा शक्तियाँ हमारी प्रॉपर्टी, हमारी चीज। अब खबरें दिखाते हैं आपको कैंसर के प्रति देश भर में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित हुए कार्यक्रमों की। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की खबर से, जहां नवजीवन हॉस्पिटल में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर समीर गुप्ता, एम्स नई दिल्ली के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमन कैन, नवजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ब्रजेश सिंघल, ब्रह्म कुमारीज में भोपाल जोन के निदेशक अभी के अवधेश, ग्वालियर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बी के ज्योति की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स ने कैंसर की पहचान, रोकथाम और उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो वहीं बी के अवधेश ने शरीर में हुई किसी भी बीमारी का मूल कारण नकारात्मक विचार शैली और अनियमित दिनचर्या को बताया। इससे बचने के लिए जीवन में मेडिटेशन और व्यायाम को शामिल करने का आग्रह किया। ऐसा ही कार्यक्रम ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल में आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारीज के लश्कर सेवा केंद्र की प्रभारी बी के आदर्श, राजयोग शिक्षक बी के प्रहलाद, डॉक्टर गुरुचरण मुख्य वक्ता और हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कैंसर जैसी बीमारी में शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करने के कारण व्यक्ति नकारात्मक चिंतन करने लगता है, जिसे व्यक्ति के उपचार में बाधा आती है। इसीलिए सदा ही सकारात्मक चिंतन करें। कार्यक्रम में आगे बी के आदर्श ने स्वस्थ रहने के लिए व्यसनों का त्याग करने, खानपान शुद्ध रखने और रोजाना मेडिटेशन करने की सलाह दी। अब कुछ खबरें एक नजर में। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के तहत ब्रह्म कुमारीज द्वारा इम्फाल में कार्यक्रम। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रतिमा भौमिक और असम बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता रहे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट। प्रतिमा भौमिक ने राजयोग मेडिटेशन को बताया आंतरिक शांति को प्राप्त करने का माध्यम। विजय कुमार गुप्ता ने भी स्व परिवर्तन के लिए राजयोग मेडिटेशन को कारगर बताया।
मणिपुर के प्रभारी बीके नीलिमा ने अतिथियों को भेंट किया निराकार परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह। मध्य प्रदेश के हरपालपुर सेवा केंद्र पर प्रतिष्ठित कविराज डॉक्टर अवध किशोर जाड़िया का सम्मान। पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित हुआ है डॉक्टर अवध किशोर जाड़िया का नाम। उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया जाएगा पद्मश्री सम्मान। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा और बीके पूनम ने भेंट की ईश्वरीय सौगात। मध्य प्रदेश के रीवा में स्लम एरिया के बच्चों के लिए नशा मुक्ति कार्यक्रम। सामाजिक न्याय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अनिल कुमार दुबे, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश महासचिव प्रज्ञा त्रिपाठी कार्यक्रम में रहे मौजूद। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने बच्चों को सदा नशा मुक्त रहने के लिए किया प्रेरित। प्रज्ञा त्रिपाठी ने बच्चों के माता पिता को आमदनी बढ़ाने के लिए दिए कई टिप्स। ग्वालियर के मालनपुर स्थित सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इंटर्न पर्सनल रिलेशनशिप्स पर वर्कशॉप। लश्कर सेवा केंद्र के राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद ने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए लोगों की सिर्फ विशेषताओं पर ध्यान रखने की कही बात। सकारात्मक और सरल व्यवहार को बताया अच्छे रिलेशन का आधार। वर्कशॉप के अंत में बीके प्रहलाद ने कुछ देर के लिए कराया राजयोग मेडिटेशन। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र ने आयोजित किया ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता। आजादी रहा भाषण का विषय, बच्चों समेत बड़ों ने भी लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। आजादी मानव गुलामी से मुक्ति, आजादी किसे पसंद नहीं, हर कोई आजाद रहना चाहता है। मेरे मुताबिक आजादी है कि आप कहीं पे भी नकली ना बने, फेक जिसे हम इंग्लिश में फेक कहते हैं, फेक ना हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना मन वचन तथा कर्म इस तरह से करें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को हमारे मन द्वारा आचरण द्वारा कोई ठेस अथवा दुख ना पहुंचे। आशा है हम आजाद है और अच्छा होगा यदि हम आजाद रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बसंत पंचमी पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। राजगढ़ जिला प्रभारी बीके मधु ने बसंत पंचमी का बताया आध्यात्मिक रहस्य। सारंगपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी समेत बीके लक्ष्मी बीके वैशाली भी रही कार्यक्रम में मौजूद। दिव्य गुणों से जीवन खुशहाल करने का दिया मंत्र। अंत में सदा व्यसन मुक्त रहने की कराई प्रतिज्ञा। वाराणसी में मैमुरगंज बीके पाठशाला द्वारा संचालित डिवाइन संस्कार शाला में बच्चों के लिए कार्यक्रम। बच्चों ने डांस और रंगोली द्वारा दिखाया अपनी कला का प्रदर्शन। उद्योगपति संजय लोहिया, समाज सेविका सुनीता भार्गव समेत 500 बच्चे रहे कार्यक्रम में मौजूद। अंत में विजेता बच्चों को डिवाइन संस्कार शाला की संचालिका बीके लता ने किया प्राइज डिस्ट्रीब्यूट। छत्तीसगढ़ के राजिम में भी कार्यक्रम। धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने सदाचारी और गुणग्राही बनने का किया आह्वान। बीके पुष्पा ने बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देना बताया जरूरी। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र ने आध्यात्मिक रीति से एंजल वर्ल्ड में मनाई बसंत पंचमी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश और अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम की उपस्थिति में कार्यक्रम। केक कटिंग करके हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। ऐसे ही मध्य प्रदेश के पन्ना, हरियाणा के जिंद और वेस्ट बंगाल के बर्धमान में कार्यक्रमों का आयोजन। चलिए देखते हैं उनकी भी कुछ झलकियां। सामर्थ्य से व्यर्थ निकाल लेना, करना क्या है, व्यर्थ निकाल देना। सरस्वती ज्ञान की देवी है और ज्ञान कई रूपों का होता है और इस दिन को हमेशा के लिए पवित्र बनाए। मैंने बातें बताई हैं कि वह ज्ञान है, उनके जो वस्त्र हैं वाइट तो वो क्यों है। मैं
समेट कर खुद को नई शुरुआत कर, झुका तो है पर टूटने की बात मत कर, शिथिल ना हो हुंकार भर तो उत्साह की पुकार कर। বেশি কিছু বলার নেই, সবচেয়ে বড় কথা হলো আই নো নাথিং, আমি কিছুই জানি না, মানে ইউ নো মেডিটেশন বা কি বলবো, আই রিয়েলি হ্যাভ জিরো আইডিয়া। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया वैंकूवर और ब्रह्मकुमारीज कनाडा के सहयोग से ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित था, जिसमें चर्चा का विषय रहा डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी ब्रह्मकुमारीज में कनाडा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बी के एरिक ने की, जिसमें संस्था के सीनियर स्पीकर्स चर्चा के लिए शामिल हुए। To both achieving and sustaining freedom. If we truly wish to honor the freedoms that we have, then we must nurture that inner sovereignty so that the royalty and dignity of the soul shines through. And how many times we later think, oh no, why did I say that? Oh no. Why? Because that sacred little place between the experience and reaction really wasn't used properly. I would say spirituality is putting wisdom into that space rather than emotion. And the more that we put truth and wisdom in this sacred space, it transforms my reactions. आपको बता दें, यह कार्यक्रम काउंसिल जर्नल मिस्टर मनीष के आग्रह पर आयोजित किया गया और अब ये प्रत्येक मास आयोजित किया जाएगा। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।